ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने की तैयारी। जी हां, संशोधित विधेयक लाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग ने इस पर न्याय विभाग से परामर्श मांगा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसको लेकर परामर्श भी मांगा गया है। कार्मिक विभाग ने न्याय विभाग से परामर्श मांगा है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये कहीं ना कहीं कितनी बड़ी सौगात आम जनता के लिए बनती है। तो राज्य आंदोलनकारियों को एक बड़ी सौगात इसके बाद ये कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, तो देखिए इसे किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए। दीपशिखा, बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य सरकार बहुत बड़ी सौगात देने वाली है उन राज्य आंदोलनकारियों को जो बहुत लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। दरअसल अगर पिछले थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालें सिलसिलेवार, तो जो तिवारी सरकार थी तत्कालीन, उस सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि जो सरकारी नौकरियां उसमें क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा 10% उन परिवारों को, उन परिजनों को जो उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये देखिए व्यवस्था चलती रही और भाजपा की सरकार आई तब भी चलती रही, 2013 तक ये व्यवस्था चलती रही, इसमें बहुत सारे संशोधन भी हो। लेकिन एक याचिका जब डाली गई हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने जो क्षैतिज आरक्षण था 10% सरकारी नौकरियों में जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को मिलना था, उस पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद हालांकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर तत्कालीन सरकार हरीश रावत सरकार आई, हरीश रावत सरकार ने एक विधेयक पास करके राजभवन में भेज दिया था। तो ये राजभवन में विधेयक बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन बहुत लंबे समय से, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे थे राज्य आंदोलनकारी और बहुत दबाव भी था, तो अब धामी सरकार जिस तरह से आए थे, वायदे उन्होंने किए थे, तो उन वायदों के अनुरूप ही वो खराबी उतरता दिखाई दे रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस आरक्षण पर, यानी सरकारी नौकरियों में जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके परिजनों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा और दूसरा उसके बाद जब सदन होगा तो सदन में कार्रवाई जब होगी तो पटल पर यह रखा जाएगा विधेयक, संशोधित विधेयक। अभी इस विधेयक को, जो अटका हुआ विधेयक था, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, यानी शासन की ओर से राजभवन से वापस मंगवाया है अनुरोध करने के बाद। तो उसमें थोड़ा सा परामर्श लिया जा रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका परामर्श लिया जा रहा है, कार्मिक प्रक्रिया है उसका परामर्श लिया जा रहा है। इस परामर्श के बाद उम्मीद है कि अब कैबिनेट में, यानी इस माह में कैबिनेट होनी है दीपशिका, और इस कैबिनेट में जब प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव के बाद जब भी सदन की कार्रवाई होगी तो ऐलान होगा, उसके बाद उसके पटल पर रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है उन राज्य आंदोलनकारियों को जो इसका इंतजार कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि धामी सरकार ने बहुत बड़ी राहत पहले भी दी है, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं उत्तराखंड के, तो उनके जो परिजन हैं उनको सम्मान राशि जो दी जाती है वो दो बार उसमें बढ़ोतरी की गई है, 3100 रुपए से 4500 रुपए, यानी 4500 रुपए कर दिए गए थे। लेकिन ये सबसे बड़ी मांग थी कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरी में। हालांकि अभी एक और राहत सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि राज्य सरकार ने जो पैरवी की थी वो 30% महिलाओं के आरक्षण की पैरवी की थी। तो ये दोनों जो सौगातें हैं, बड़ी सौगातें हैं, एक तो मिल चुकी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 30% जो महिलाएं उत्तराखंड की है उनको उसमें आरक्षण दिया जाए, शैक्षिक आरक्षण दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी सौगात है राज्य सरकार की ओर से कि बहुत मजबूत पैरवी उच्च न्यायालय के बाद राज्य सरकार ने की थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें भी अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद सदन में आएगा, और बहुत जल्द उन लोग, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, युवा उम्मीद कर रहे थे उत्तराखंड के राज्य आंदोलन से जुड़े हुए, उनको नौकरियों में आरक्षण मिल जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया राव शफात अली, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो ऐसे में देखिए ये फायदे की कहीं ना कहीं इनके लिए मुलाकात भी रह सकती है। और चलिए इसके साथ हम रुक करेंगे, अगली खबर की हम बात करेंगे। और अगली खबर आपको हम बता दें, जहां देहरादून से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों की क्लास लगी। जी हां, डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, जहां लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरेगी, कठोर कार्रवाई के साथ पद से हटाने की बात कही है, पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा, यह बड़ी खबर आपको बता रहे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हालांकि गाज गिरती नजर आएगी। अब ऐसे में
जो लापरवाही बरतेगा उसे सावधान होना पड़ेगा। कठोर कार्रवाई करने के साथ पद से हटाने की भी बात कही गई है। तो जो पुलिस अधिकारी अच्छे से काम करेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात अली, इस तरीके के जो फैसले हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी अगर बात करें, आम जनता की भी बात करें, एक अच्छा संदेश देते नजर आते हैं। हाँ दीपशिका, देखिए उत्तराखंड में पिछले अगर 2 महीनों पर नजर डालें तो क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा अपराध बढ़े हैं। खासकर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा अपराध बढ़े हैं। और अभी पिछले दिनों जो डीजीपी हैं उन्होंने तबादले किए हैं और नए एसएसपी नियुक्त किए हैं, हालांकि जिला हरिद्वार में इसके साथ और नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो यही वजह है कि अपराध को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन अपनी ओर से प्रयास करता रहा है, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे। पिछली बार देखा कि खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और अपराधी फरार हो जाते थे। बहरहाल अब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, डीजीपी सख्त नजर आते हैं इस मुद्दे को लेकर के किसी भी सूरत हाल में उत्तराखंड में क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए। और इसी को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में अपराध को रोकें। और अगर कोई अपराध को नहीं रोक पाता है कोई पुलिस अधिकारी, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सख्त लहजा है डीजीपी का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम प्रदेश के जितने भी आला अधिकारी थे पुलिस श्रेणियों में, वो डीजीपी के साथ जुड़े थे और अपने अपने क्षेत्रों की जो समीक्षा है वो भी दी थी। इसके साथ एक और निर्देश दिया गया कि हर माह समीक्षा रिपोर्ट भेजिए, यानी कि हर माह जिस क्षेत्र में जो क्राइम हुआ या क्राइम का खुलासा हुआ, अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध हुए, तो ये हर माह अब डीजीपी उसकी समीक्षा करेंगे। तो बहुत बड़ा एक कदम है अपराध को रोकने के लिए। और अब क्योंकि अगर कोई पुलिसकर्मी अच्छा काम करता है, गुड वर्क करता है, तो उसको सम्मानित किया जाएगा, ये भी बड़ा फैसला लिया गया है पुलिस मुख्यालय की ओर से। लेकिन अगर कोई अधिकारी अच्छा काम नहीं करता है, अपराध को रोकने में नाकाम साबित होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई। तो इसी को लेकर के ये खास बैठक थी और डीजीपी के जो सख्त आदेश है, निर्देश है, वो तमाम जितने भी उत्तराखंड के पुलिस आला अधिकारी है उनको दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल राव शफात अली, तो कुल मिलाकर इससे अब जिस तरीके से अपराध बढ़ता नजर आ रहा था उससे रोकथाम लगने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।